फ्रेंड वेलकम टू ये फेवरेट चैनल राजीव कॉमेडी टू क्लासेस। आज का जो टॉपिक है, आज हम लेके आए करंट अफेयर इन हिंदी टुडे 10 अगस्त 2021 का 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों गुड मॉर्निंग आप सभी को इस वीडियो में लेके आए। दोस्तों वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करेगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया है, तो ये आपका 8 अगस्त को मनाया है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन कहाँ चलेगी, तो ये आपका हरियाणा में चलेगी। अगला है क्वेश्चन कि हाल ही में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है, तो ये आपका 1 साल बढ़ाया गया है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 1 महीने तक चलने वाला अभियान पानी माह शुरू किया है, तो ये आपका लद्दाख ने शुरू किया है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चमन लाल पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है, वे कौन थे, तो ये आपके सामाजिक कार्यकर्ता थे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला शिकायत निवारण समिति का गठन किया है, तो ये आपके राजस्थान ने किया है। आइए अगला क्वेश्चन इधर लेते हुए लिखा हुआ है कि हाल ही में BCCI ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीत विजेताओं को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है, तो ये आपके 25 लाख देने की घोषणा की है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इधर लेते हुए क्या है क्वेश्चन यहाँ पर आइए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने विधायकों के मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, तो ये आपका लिखा है 66%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली तीसरी गेंदबाज जेम्स एंडरसन बने हैं, वे किस देश के हैं, वे आपके न्यूजीलैंड के हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है, तो ये आपका लक्षद्वीप में हुई है। अगला क्वेश्चन इधर लेते हुए कि हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो ये आपका KP Sharma Oli बने हैं। आइए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा अभियान को कितने साल तक जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है, 5 साल की मंजूरी दे दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने आदिवासियों छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की मंजूरी दे दी है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर ने। अगला क्वेश्चन इधर लेते हुए कि हाल लिखा है हाल ही में किस ने ऐप आधारित डोरस्टेप डीजल सेवा हम सफ़र की शुरुआत की है, तो ये आपका IOCL, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आखिरी क्वेश्चन, हाल ही में NEP 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो ये आपका कर्नाटक बना है। दोस्तों यहीं तक हमारा वीडियो था, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दिए। और ये आपके क्वेश्चन UPSC BPSC PCS SSC एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, यहाँ से प्रश्न। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए।